सैडनेस कंपाउंड में जनता की समस्याओं को लेकर युवा एकता सामाजिक संगठन ने निगम प्रशासन एवं स्मार्ट सिटी प्रबंधन के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। भागलपुर में चल रहे सैडनेस कंपाउंड में स्मार्ट सिटी के विकास योजनाओं के अंतर्गत हो रहे कार्यों पर युवा एकता सामाजिक संगठन के कार्यकर्ता ने निगम प्रशासन एवं स्मार्ट सिटी प्रबंधन के कार्यों पर चिंता व्यक्त करते हुए संगठन अध्यक्ष ओम प्रकाश उपाध्याय के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन में संगठन के पदाधिकारी, प्रबुद्ध नागरिक, सभी प्रकोष्ठ, युवा एवं बड़ी संख्या में आमजन ने भागीदारी दी। काटे गए पेड़ों की जगह पर अविलंब पेड़ लगाने, पानी की समस्या को दूर करने, बंद पड़े प्याव को चालू करने को लेकर निगम प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। जनता की विभिन्न मांगों को रखते हुए संगठन के अध्यक्ष ओम प्रकाश उपाध्याय ने कहा, स्मार्ट सिटी के नाम पर विकास की आड़ में सैडनेस कंपाउंड का पर्यावरण असंतुलित हो जा रहा है। अब तक अनगिनत पेड़ काटे जा चुके हैं, अगर किसी तरह पेड़ों को काटते रहे तो एक समय सैडनेस कंपाउंड की हरियाली समाप्त हो जाएगी। आर्थिक लाभ के लिए पेड़ों की कुर्बानी ली जा रही है। सैडनेस कंपाउंड से सारे पेड़ खत्म हो जाएंगे तो क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग की समस्या होगी, पर्यावरण का संतुलन बिगड़ेगा, पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा। अगर ऐसा होता रहा तो भविष्य में हम लोगों को ऑक्सीजन के लिए तरसेंगे। गौरतलब हो कि भागलपुर का सैडनेस कंपाउंड मैदान पूरे शहर का हृदय स्थल है। हजारों लोग यहाँ सुबह और शाम टहलने के लिए आया करते हैं। अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो ना ही लोगों को हवा मिल पाएगी और ना ही उन्हें छांव कार्यक्रम में महामंत्री मंटू यादव, डॉक्टर आरिफ आजाद, डॉक्टर विश्वजीत कुमार, सिकंदर चौधरी, दिलीप कुमार आदि मौजूद थे। बीएनपी न्यूज के लिए भागलपुर से अभिषेक आनंद की रिपोर्ट। के कारण सैंडिस कंपाउंड में मॉर्निंग और इवनिंग में टहलने वाले और खेलने वाले छात्र छात्राएं, हमारे युवा साथी इस भीषण गर्मी में पानी के को पीने के लिए अपनी कंठ की तरफ बुझाने के लिए बेबस है, लेकिन निगम प्रशासन के कानों पर जू तक नहीं रेंगती है मेरे भाइयों। नंबर वन। नंबर टू, स्मार्ट सिटी के नाम पर जिस तरह से पेड़ों को धड़ेले से काटा गया, पेड़ नहीं लगाए गए, जिसका परिणाम है मेरे साथियों कि सैंडिस कंपाउंड से हरियाली गायब होती जा रही है। पेड़ कब काटा गया? स्मार्ट सिटी का काम जब से शुरू हुआ, चाहे वो अपना स्विमिंग पूल बनाने की बात हो, कैफेटेरिया बनाने की बात हो, विकास के नाम पर पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की गई। मेरे साथियों, आप जान जाइए कि ये धड़ाधड़ पेड़ों की कटाई से आज हमारा जो है पर्यावरण का संतुलन पूरी तरह से आज युवा एकता सामाजिक संगठन की ओर से तमाम संगठन के कार्यकर्ता, शहर के बुद्धिजीवी वर्ग, युवा साथी, सभी प्रकोष्ठ के पदाधिकारीगण, हम सभी ने आज मिलकर स्मार्ट सिटी के नाम पर जिस प्रकार से जिला प्रशासन, नगर निगम और स्मार्ट सिटी प्रबंधन के द्वारा जनता के मूलभूत सुविधाओं को अनदेखी कर सिर्फ आर्थिक लाभ विकसित किया जा रहा है, उसके आक्रोश में हम लोग एक विरोध प्रदर्शन किए हैं। क्या मांगे हैं? मीडिया कर्मी बंधुओं, हमारी मांगे हैं कि आज बरसों पड़े सैंडिस कंपाउंड में पियाऊ बरसों से बंद है, उस पीने की पानी के लिए जनता इस भीषण गर्मी में तरस रही है। जिला प्रशासन, निगम प्रशासन, स्मार्ट सिटी प्रबंधन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। स्मार्ट सिटी प्रबंधन सड़कों पर उतरकर इस आंदोलन को तेज करेंगे और जनता की समस्याओं को पूर्ण रूप से हम फुलफिल करने का ये काम करेंगे। हम लोकतंत्र में जो हमको अधिकार दिया गया है उसके माध्यम से हम सदन से सड़क तक आवाज उठाएंगे। ओम प्रकाश उपाध्याय, अध्यक्ष युवा एकता सामाजिक संगठन भागलपुर। निगम प्रशासन मुर्दाबाद, निगम प्रशासन मुर्दाबाद, मिक्की माउस का सुन। लेकिन अब तक समुचित पानी का व्यवस्था नहीं है। मीडिया कर्मियों बंधुओं, आपसे क्या छुपा गए, आप भी जनहित मुद्दा में हम सबों को सहयोग कीजिए और देख लीजिए सैंडिस कंपाउंड की मूलभूत सुविधा जनता के लिए क्या है। हम जिला प्रशासन, निगम प्रशासन और स्मार्ट सिटी प्रबंधन से आग्रह करते हैं कि आप हमारे जितनी मांगे हैं उन मांगों पर अगर निगम प्रशासन ध्यान नहीं देती है, उसका निराकरण नहीं करती है, बिजली की तेज स्पीड की तरह से सैंडिस कंपाउंड का विकास किया गया, क्या उसी रफ्तार से सैंडिस कंपाउंड की हरियाली वापस लाने की प्रशासन ने कोशिश किया? क्या परेशानियों की जानकारी आपने नगर निगम प्रशासन या जिला प्रशासन को प्रोवाइड किए थे? बीच बीच में अभी हाल में दो दिन पहले
जिला अधिकारी महोदय जी आए थे, हम लोगों ने इसी जगह पर उनको आगाह भी किया था कि सर बरसों से पियाऊ बंद पड़े हुए हैं, 2012 का पियाऊ पड़ा हुआ है, पानी के लिए लोग तरस रहे हैं,